नारनौंद की अनाज मंडी में यहाँ के जो नारनौंद से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जसवीर सिंह जस्सी, उन्होंने रैली की हुई थी अपनी चुनावी रैली, और उसमें बतौर मुख्य अतिथि जो है दीपेंद्र हुड्डा आना था। और उस कार्यक्रम में हमारे बास गांव के 30 वर्षीय बिरभान पुत्र श्री सुरेश की जो है ना करंट लगने से बताई जा रही है कि उनकी मौत हो गई। और परिवार से मैं मिला हूं अभी एक घंटे पहले, और बड़ा दुखी है परिवार, गरीब परिवार है, आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर है। तो मेरा इसमें मानना यह है कि इसमें सवाल है, तीन चार सवाल या निशान, कि जस्सी पेटवाड़ की जो रैली थी उस रैली के अंदर मैनेजमेंट की कमी थी, उन्होंने इस तरह के हादसे क्यों हुए, नहीं होने चाहिए थे, उसकी कमी थी, और उनके खिलाफ अभी तक कानूनी कार्रवाई प्रशासन द्वारा क्यों नहीं अमल में लाई गई, और उस कैंडिडेट ने दबाव देकर जो है ना पोस्टमार्टम नहीं होने दिया गया, पुलिस में अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई और उसका दाह संस्कार कर दिया गया। क्या हमारे लोगों की जो जान की कीमत है एक पशुओं के समान है? हमारा 30 साल का भाई गया है, हमें दुख है इस बात का, और पीड़ित परिवार बड़ा दुखी है। इकलौता लड़का उनको कमाने वाला बड़ा वही था, मिस्त्री था, पूरे परिवार का पालन पोषण करता था, और गरीब परिवार है, अनपढ़ परिवार है, उसको किस तरह से जो है ना वो दबाया गया, किस तरह से इस तरह की चीजें करी गई, ये बड़ी जो घटना हुई है निंदनीय घटना है, और आयोजकों के खिलाफ इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरा तो प्रशासन से अपील है, सरकार से अपील है, एक सामाजिक संगठन का अध्यक्ष होने के नाते और दलित समाज का एक नुमाइंदा होने के नाते कि प्रशासन तत्काल पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता राशि और एक सरकारी नौकरी तत्काल प्रभाव से दे। जैसे हादसा हुआ ना उसी टाइम पे आयोजक उसको उठा के हॉस्पिटल में ले गए थे। देखिए सूचना जहां तक है, वीडियो भी आई है, उसको हॉस्पिटल में ले जाने में देरी हुई, डीजे बजता रहा। बड़ी दुखद बता रहा हूँ ये बात आपको मैं, कि हमारे भाई की लाश उस रैली के अंदर कल नारनौंद में अनाज मंडी में लाश थी, और उस समय दीपेंद्र हुड्डा और कई भाषण चलते रहे, इस तरह की गंदी राजनीति हुई, इसका मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। अगर जल्दी उसको अस्पताल पहुंचाया जाता तो उसकी जान बच सकती थी। उसको जैसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो उसके परिजनों ने पोस्टमार्टम करवाना था, लेकिन परिजनों ने कहा कि भाई हमने को पोस्टमार्टम करवाना। देखिए जब किसी परिवार से 30 वर्षीय युवक चला जाए, एक नौजवान चला जाए, उनका कमाने वाला सहारा चला जाए, वो परिवार उस उनको सुध बुध नहीं रहती कि हमें क्या करना है। उनके नियर डियर थे और इनकी मॉरल ड्यूटी बनती थी, जिससे पेटवाड़ के लिए इनकी टीम की मॉरल ड्यूटी बनती थी पोस्टमार्टम करवाया जाए, क्योंकि पोस्टमार्टम के बगैर उनको सरकार की जो योजनाएं मिलनी है, जो लाभ कंपनसेशन मिलना है, वो कैसे मिलेगा? पोस्टमार्टम होना बड़ा जरूरी था। जानबूझकर गरीब परिवार को जो है ना प्रताड़ित किया गया, उनको न्याय मिलना चाहिए। मैं उनके साथ खड़ा हूं और उनको हर हाल में न्याय दिलाकर रहूंगा, और प्रशासन से सरकार से जो उनको है ना मुआवजा और नौकरी दिलवाकर रहेंगे, धन होने के बाद उस परिवार को जो है ना दोबारा मिलेंगे, और इस लड़ाई को हम पूरे हरियाणा प्रदेश में लड़ेंगे। कल काफी पत्रकार उनके घर में पहुंचे, उनसे बातचीत करने की कोशिश की, उनके परिजनों से, उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई इस हादसे को राजनीति नहीं की जाए, हमारा ये मात्र हादसा था और हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते। देखिए मैं भी कह रहा हूँ इसमें राजनीति नहीं की जाए, मैं कब कह रहा हूँ कि राजनीति करनी चाहिए। हादसा क्यों हुआ, सवाल ये है किस कमी से हादसा हुआ, इस हादसे की जिम्मेवारी कौन लेगा? बात यह है कि उनका बेटा आप ना आप उसको दे सकते, ना मैं दे सकता, ना आयोजक दे सकते, लेकिन उसकी जिम्मेवारी तो किसी ने लेनी पड़ेगी ना, कि हमारे कार्यक्रम में आया था, हमारी वजह से उनकी जो है ना डेथ हुई, और फिर उन्होंने प्रॉपर तरीके से डॉक्टरी नहीं होने दी, पोस्टमार्टम नहीं होने दिया, पुलिस की 174 की कार्रवाई नहीं होने दी, पुलिस को जो है ना तला नहीं की गई कि इस तरह की घटना यहां घट गई, और उसके बाद भी डेड बॉडी वहां रखी हुई है, उसके बाद भी भाषण चलते रहे, मतलब एक वोट लेने के लिए बस, मतलब दलित समाज के लोगों की कोई कीमत नहीं है। इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। आयोजकों के खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और उस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। हमारी पूरी टीम और हमारे समाज के लोग पीड़ित परिवार के साथ, समाज की तरफ से आगे क्या कार्रवाई रहेगी? देखिए समाज के लोग बढ़कर रणनीति बनाएंगे कि इस तरह की घटना घटी है, आगे इस तरह की घटना ना घटे, इस घटना की जिम्मेवारी उन लोगों ने लेनी चाहिए, और जो उनकी कंपनसेशन मिलना है, जो सारी चीजें मिलनी है, उनका भी उन्होंने जो है ना प्रयास करना चाहिए कि सरकार पे मांग करनी चाहिए कि इस तरह के उनको नौकरी मिले और 50 लाख रुपए उनको मुआवजा मिले।